शिवपुरी के नक्षत्र गार्डन में आज एक विदेशी जोड़ी की शादी के कार्यक्रम जारी। दोनों ने आज अपने गुरु के सानिध्य में शिवपुरी में शादी की रस्म अदायगी होगी। विदेशी युवन जी, महिला जर्मनी से है जी, स्विट्जरलैंड से है जी। इनका कैसे समन्वय बना, संयोग बना और उसमें आपकी क्या भूमिका रही? ये 8-10 साल से ध्यान के माध्यम से मुझ पर जुड़े जी और शक्तिपात करते रहे, जिसमें ये जो स्विट्जरलैंड के हैं इनका बड़ा काम है, लेकिन इसके साथ साथ जो है ये वहाँ योगा गुरु भी हैं। बहुत सारे योगा गुरु जो हैं वो मुझसे शक्तिपात विश्व के कराते रहते हैं। तो जब ये जुड़े तो फिर इनको ऐसा लगा कि कहीं तो भी जो है मुझे गुरु जी के पास जाना चाहिए, क्योंकि जो आमने सामने की जो वार्तालाप है वो कुछ और होती है। तो ये 2-3 बार मेरे पास आते रहे और इनके माध्यम से जो है ये जर्मनी की लेडीज ये भी 1-2 बार आ चुकी हैं। यहाँ जब चर्चा होती थी यहाँ के जीवन की, तो हमारे यहाँ 16 संस्कार हैं। जीवन जो है पंचमन संस्कार से प्रारंभ होता है, तो जब उससे चर्चा हुई तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ इनके दिमाग में तो थी। वो पंचमन संस्कार जिसमें जो है हम दाम्पत्य जीवन में जब एक हो जाते हैं तो फिर एक हो जाते हैं, उसको अलग करना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि 2 गिलास का पानी एक जग में मिला दो तो वो होगा नहीं, अलग नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। तो इनका ये प्रेम विवाह है या अरेंज मैरिज है? सच तो ये है कि आजकल जो भी होता है वो प्रेम से प्रारंभ होता है। लड़का लड़की आपस में देख लेते हैं, पसंद करते हैं, चर्चा करते हैं और यदि ठीक लगता है तो आगे बढ़ जाते हैं, और यदि वो प्रेम पैदा नहीं होता है तो फिर वहीं ड्रॉप कर देते हैं। तो इनकी आपस में जो चर्चा हुई, क्योंकि विदेशों में बिल्कुल खुली हुई बात और एक अच्छी सोच के साथ लोग बाग आगे बढ़ते हैं, जब वो आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने जो है यहाँ का जो पद्धति देखी, हमारे जो पंचमन संस्कार की बात थी जहाँ से वैवाहिक प्रणय संस्कार की बात थी, तो ये प्रणय संस्कार का उनको बहुत अच्छा एक क्रेज़ हुआ कि भारत में प्रणय संस्कार सिर्फ ऐसे नहीं होता है, ईश्वर को साक्षी मान करके, अग्नि को साक्षी मान करके होता है। तो क्यों ना जो है हम भी उस ईश्वर के साथ और उस तथ्यात्मक सत्य के साथ जुड़ें, क्योंकि अग्नि जो है सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है और वस्तुतः जो है हम सारे लोग सूर्यांशी हैं, क्योंकि पृथ्वी सूर्य थी, चटक करके अलग हो गई और उससे चक्कर काटने लगी, उस पर उत्पन्न जो भी चीज़ है वो सूर्य का ही अंश है, तो हम लोग सूर्यांशी हैं। तो इन्होंने ये हिंदू वैदिक पद्धति से स्वयं शादी की या आपने इनको प्रेरित किया?